गिरिडीह जिले के निमियाघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक कलयुगी शिक्षक ने अपनी हदों को पार करते हुए गुरु शिष्य के रिश्ते को फिर से कलंकित किया है। मामला निमियाघाट थाना क्षेत्र के नगरी में 6 साल की एक मासूम के साथ दुष्कर्म करने का है। दुष्कर्म का आरोप एक निजी ट्यूटर पर लगा है। आवेदन में पीड़िता के पिता ने लिखा है कि उसकी 6 साल की बेटी 16 जनवरी को गांव के ही सोमर साव के पुत्र दौलत साव के घर में ट्यूशन पढ़ने के लिए गई थी। इस दौरान आरोपी ने बच्ची को बाथरूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने डंडे से पीटने की बात कहकर बच्ची को चुप करा दिया। मामले में डुमरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नीरज कुमार सिंह ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। एक दुष्कर्म का मामला निमियाघाट थाना में प्रतिवेदित हुआ था, जिसमें अपराधी को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सर, बच्ची नाबालिग थी? हाँ, बच्ची नाबालिग थी और जो दुष्कर्म के आरोपी हैं उसके शिक्षक हैं। बच्ची जब घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में लिखित आवेदन दिया। फिलहाल पीड़िता के पिता के द्वारा दिए गए आवेदन अनुसार मामला दर्ज किया जा चुका है। गिरिडीह से दिनेश, पंजाब केसरी टीवी।